आप राजस्थान साहित्य अकादमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ, राजस्थान सरकार ने मुझे साहित्य अकादमी का अध्यक्ष के नाते काम दे रखा है। सरकार की तरफ से जो प्रयास साहित्य संवर्धन के लिए हो रहे हैं, क्या आप उन्हें पर्याप्त मानते हैं? देखिए, प्रयास हम अपनी पूरी ऊर्जा और पूरी निष्ठा से कर रहे हैं और मुझे लगता है कि राजस्थान साहित्य अकादमी जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ वो इस समय साहित्य कार्यक्रमों, उपक्रमों और साहित्य के प्रकाशन को लेकर जो कार्य कर रही है वह एक अच्छा कार्य कर रही है। हमने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य इस अल्प अवधि में किए हैं। एकेडमी आपके कुशल हाथों में है, लेकिन जो दूसरे उपक्रम है सरकार के निकाय हैं, जैसे अन्य अकादमियां हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो मेरी अकादमी के बारे में ही बता सकता हूं। और उसके लिए अगर पत्रकार लोग, साहित्यकार और बल्कि संस्कृति कर्मी जो भी सलाह या सुझाव देंगे उसको हम और पूरा करने की कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि साहित्य का उन्नयन साहित्य अकादमी के माध्यम से और साहित्यकारों के माध्यम से ठेठ से ठीक और अधिक बेहतर हम कर पाए और समाज को लाभ दिलवाएंगे। क्या आपको आपको नवाचार दिख रहा है साहित्यकार सम्मेलन में? साहित्य का सामर्थ्य विषय पर यह दो दिवसीय अधिवेशन अखिल भारतीय साहित्य परिषद का है और साहित्य की सामर्थ्य क्या है, साहित्य किस तरह से व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के विचार में अपना हस्तक्षेप करता है, उसके व्यक्तित्व के निर्माण में किस तरह भूमिका निभाता है, इन सब का एक विचार विनिमय का यह एक मंच है इस विषय को लेकर। और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से ये जो कार्यक्रम है इसमें तो प्रदेश भर के साहित्यकार यहाँ चर्चा करेंगे। तो आपको नहीं लगता थोड़ा बदलाव आया है आज के इस समय को देखते हुए, साहित्य की ओर से लोग अलग से होते जा रहे हैं? अच्छे साहित्य के सामने ये हर समय चुनौती रहती है कि समाज के जो अन्य विधाएं हैं या जो और चीजें हैं जो गंभीर साहित्य के लिए हर समय चुनौती रहती है, आज यह जरूर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में कहें या जो एक सोशल मीडिया है उसके कारण हम लोग पुस्तकों से दूर होते जा रहे हैं, यह जरूर आज बड़ी चिंता है। और इसलिए यह भी साहित्य के सामर्थ्य को प्रभावित करती है कि साहित्य का जो उसका मूल माध्यम है पुस्तक या हमारा जो श्रुति परंपरा, ये दोनों इस नए माध्यमों से प्रभावित हुए हैं और ये भी साहित्य के सामर्थ्य को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, तो ये भी हमारी चिंता का विषय है। और लेकिन केवल चिंता की बात नहीं है, इसके लिए केवल साहित्यकार ही नहीं बल्कि सारे जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, प्रबुद्ध लोग हैं, हमारे हिंदी और जो अन्य साहित्य के जो रचयिता हैं, साहित्य के पत्रकार हैं, साहित्य से जुड़ी हुई पत्रकारिता करते हैं, जो साहित्य के समाचार पत्र और पुस्तकों से जुड़े हुए हैं, या जो साहित्य के शिक्षक हैं, जो साहित्य के आयोजन करता है, ये उन सबकी साझा और जितने संस्कृति कर्मी हैं बल्कि उन सबकी साझा चिंता है। ये केवल साहित्यकार की चिंता नहीं है कि वे सब मिलके ये एक नई चुनौती साहित्य की जो संप्रेषणीयता के लिए आई है उसका हम मिलकर समाधान ढूंढें और बल्कि प्रयास करें। धन्यवाद सर। सुनते रहिए, देखते रहिए खबरों में बीकानेर।